दोस्तों, यहाँ पे मम्मी और पी रहे चाय, और चाय के साथ देखा जा रहा है मेरा व्लॉग, आत्महत्या वाला व्लॉग। क्यों बनी जितनी गड़बड़ दिया लिए। तो ये देखिए दोस्तों, साइन ला रखे हैं बिस्कुट, मंडवे के बिस्कुट। ले चैन से क्या खा ले सर, मना का कयो छे ये मम्मी पहली लुका दी बस यार रे दिया यानी तुम बराबर छे। अब और जुड़ना दे यार, बिस्कुट लगा लो तेरे रे यार। अबर थोड़ी ला। तो दोस्तों, मम्मी जा रही है छन्नी में, और मम्मी को भी बड़ा दुख हुआ गंडेल की कहानी सुन के। और साहिल अब कमेंट कर रहा है, बल गंडेल की आत्मा को शांति मिले। तो आप लोगों ने तो बताया नहीं कि आपको गंडेल वाली वीडियो कैसी लगी। पर शीतल बताए, शीतल तो देखती नहीं है मेरी वीडियो। तो इन्हीं को बोलते हैं घर का बेदी बल्लंग का ढाई। ये लोग ही नहीं देख रहे मेरे वीडियो, तो आप लोग क्या देखोगे। तो छोड़ो, एक फोन मम्मी को देना है और मम्मी देखेगी मेरी वीडियो, बाकी तो गोली मारो सबको। हाँ तो मिलते दिन तो टाइम तक क्या कर लेने चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिवानी नेगी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है, तो बने रहना। ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं अभी पक जाना हम, हाँ हम जा रहे हैं चोलाई लेने। तो चलो अभी चलो हमारे साथ, और यहाँ पे प्रतीक बैठा है शिल्पा के साथ। प्रतीक को नहीं ले जाना, नहीं तो ये ना परेशान करता है। तो ये अभी घर पे रहेगा, तब ले जाऊंगी मैं इसे थोड़ा घुमाने के लिए। तो चलो चलते हैं फटाफट से, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गुगु तुम का करना। तो ये देखिए दोस्तों, और वहाँ पे देखिए दोस्तों, डिग्गी में ना भाजी खड़े हो रखे हैं, और अभी मैं उधर जाऊंगी तो वो छुप जाएंगे, या तो फिर इधर उधर भाग जाएंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं। क्यों भाई, तो ये देखिए दोस्तों मौसम को। तो दोस्तों, यहाँ पे फिर से बहस हो रही है, एक बोल रहे हैं बकरी वालों की वीडियो बना, एक बोल रहे हैं मोमबत्ती वालों की। ये देखिए, मैंने बोला था ना भाग जाएंगे, तो वो भाग गए। तो ये रहा हमारा खेत, और समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो दोस्तों, जो घर के पास होते हैं ना खेत छोटे छोटे, तो उन्हें सगड़े बोलते हैं, क्योंकि उधर साग सब्जियाँ उगाई जाती है। लेकिन अब तो ना साग सब्जी हो रही है ना कुछ हो रही। और ये देखिए यहाँ पे वो देखिए ऊपर से मेरी वीडियो बना रहे हैं। हाँ, तो ये देखिए चोलाई की हाल को जैसे हो रहा है। तो अभी भाभी से भी मिलवाऊंगी आपको, अभी जा रही हूँ मैं ऊपर। तो ये देखिए जो घुघती होती है ना, उन्होंने सारी चोलाई खा दी। और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, तो ये जो खेत दिख रहा है ना, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक, जी जहाँ तक ये मिर्ची दिख रही है, यहाँ तो कुसुमोर का है और उससे आगे हमारा है। तो तभी तो इसको सगड़ा बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए केले का पेड़, ये देखिए अभी पकी रहे हैं केले, इस पे आ रहे हैं और मुझे ले जाने केले के सूखे हुए पत्ते। और थोड़ा काम धाम भी कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद में। ये तो सीधा भी मन ही मन में सोच रही होगी, ये पक्का वीडियो बनाने ही आई है, काम करने तो आई नहीं है, गाली दे रही है मन ही मन। तो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं तो लमट गई थी यार। ये देखे दोस्तों, फिर मैंने बोला था ना गंडेल, पता नहीं शायद से मेरा कोई दोस्त है ये गंडेल, ये फिर से आ चुका है। अब ये चोलाई में चिपक रखा है, क्या भाई क्या दुश्मनी है तेरी मेरे से। तो
तो दोस्तों ये रही चौलाई, तो आधी हरी हो रखी है तो वो नहीं ले जा रहे, और थोड़ी बहुत जो पक रखी है वो ले जाते क्योंकि, तो दोस्तों घुटनों ने पूरी चौलाई खा ली तो इस वजह से ले जाते छोड़ो, और थोड़ी बहुत हरी हो रखी है तो उसे रहने देते हैं। और यहाँ पे हमने काटा था पिंडा, तो ये चौलाई दिख रही है उसके बीच वाला हरी हरी घास हो रखी थी, तो जो भैंसों के लिए पिंडा होता है तो पिंडे के काम आएगा। और चलो फिर फटाफट से लगाते हैं फंजी और चलते हैं घर। तो शीतल तो घर जा रही है, जरा मैं ऊपर जिया से मिल के आती हूँ। जिया मैडम सो गई थी मां के घर में, तो जिया बोली मैं तुम देखो चुहा मैं तुम ताल रहा था ना, तो मैं चलो आज जरा। तो दोस्तों शीतल चली गई घर और मैं चलती हूँ जरा ऊपर। तो दोस्तों चलो अब जरा ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे देखो जिया ने मेरे लिए फूल भी बिछा रखे है, उससे शायद से पहले से ही पता था मैं आ रही हूँ। तो है ए जिया क्या करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए तू, क्या जेग नाम कलीला कलीला अब क्या कर दी होगो कलीला ना डाल फनी लगा दे यार, कंदड़ों लगा नहीं होता है काम लगा दी अतिल में गंडीवाल की तुम फिर आ गया हो है आ सुनिए सुनिए कुन का कागज जा फालो तीन ही बताओ एल की। तो ये देखिए दोस्तों आज इस वाली रोड में भी बस आ रही है, और पता नहीं है कौन सी बस है। जी उफार देखिए क्या आ रही शाह क्या चा बस। क्या चा तेरे पापा की गाड़ी चे कन गाड़ी चे अच्छी गाड़ी छोटी चे की बड़ी बच है वाह तुम बैठे छो भी गाड़ी कद बार बैठी तू ती तो याद नहीं बस छूट गया वाह ये देखा है गया है क्या है जिया ये खाजे जिया जरा मैं तापर ख्वाल घुमा दे यार तिल में तापर ख्वाल घुमाण छ तुम्हारा ख्वाल खन के बोल दी अच्छा हम खाए तुम्हारा ख्वाल छ ओ ताला पड़ जा तू तुम्हारा ख्वाल खन के बोल दी पहले तो बता दे हम खाए बिरे हैं रन कम यम रन तुम्हारा गाड़ो हम रहने तुम्हारा ख्वाल नाम क्या पदन ख्वाल है ना हम नामी तो नहीं दिखे ना ची दिखाई तो दोस्तों भाभी जा रही है घास के लिए, जाओ जाओ काम दाम करो ये देखिए क्या तू कार्टून भी देखे ना कोल कार्टून देखे तू डोरेमोन एक मोटू पतलू मोटू पतलू डोरेमोन है डोरेमोन कोच मोटू तो तू चाहिए मैंने जो मोटू तो तन मैं क्या चाहूँ क्या चाहिए मैं निवाला चूड़े दे अरे यार दे अभी दे अच्छा मिले एक चूड़ी दे दे प्लीज दे 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 मेरे चूड़ी बीती खड़ा है एकदम छोटी वाली चूड़ी जोड़ ठीक से युवाल चूड़ी दे दे अरे युवाल युवाल तैयार हाथ पर नियार ने आंच नियार दे यार मैं बहुत रोज है ना ज्यादा पर अच्छा तो ये देखिए दोस्तों भाभी ने घास के साथ साथ पुदीना भी काट दिया हाँ तो ये देखिए दोस्तों ओ पूरी मत थकाड़ी से
तो ये पुदीना ले चलती हूँ घर और लगा दूंगी, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों मैंने जो आपको अभी बस दिखाई थी ना, वो मौसा जी और रुकी थी और मम्मी उसी बस में बैठ के आई है घर पे। और अब मम्मी जा रही है छन्नी में और प्रतीक रो रहा है कि प्रधान भैया ने आज नई गाड़ी ला रखी है और उस गाड़ी के लिए रो रहा है कि भैया मेरे को दे दिया, भैया ने वो पहले ही तोड़ दी है। प्रधान आपको ली तेरी गाड़ी घोड़ी के बांदर। अरे एक मिनट प्रधान की कटिंग तो देखो, ये देखो कदर रुपये में कटी थी लो, कदर रुपये में कटी रे ये लाटा। दोस्तों जो हम अभी चोलाई लाए तो दादी उससे कर रही है साफ। तो मौसम देखिए क्या खतरनाक हो चुका, बारिश आएगी अभी बारिश।